गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि हमने कल आपको प्रैंक व्लॉग दिया था, जैसे कि ये सो रही थी और हमने इसका मेकअप कर दिया था, वो वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। जो चैनल पे नया आया है वो सब्सक्राइब कर ले और चैनल हमारे समर वैकेशन हो चुकी है और इसके तो हॉलीडे होमवर्क आ गए हैं पेपर असाइनमेंट में। मेरे तो बुक है उसमें आते हैं और अगर हम जाते हैं कहीं पे भी जाएंगे तो आपको वो वीडियो दिखाएंगे। वैसे तो हम कुछ अगले महीने पहले वाटर पार्क जाने वाले हैं, उसका हम वीडियो ज़रूर डालेंगे। तो तब तक के लिए बाय। तो गाइज़ आपने आदि एन रवि से बात किया, इनको आज बहुत मन था बात करने का आप लोगों से। मैं यहाँ पर रोटी में लगी हुई हूँ, कैमरा सेट कर नहीं पा रही हूँ ठीक से। मेरी आज ऑफिस है, अब मुझे थोड़ा छोटा सा स्मॉल ब्रेक मिला है, मैं जल्दी से रोटी बना लूंगी फटाफट। आज मैंने खाने में बनाया है तड़का दाल और पनीर की भुर्जी बनाएंगे। मेरा शिफ्ट 10:30 तक का है, उसके बाद मैं भुर्जी बनाऊंगी, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, उसके बाद हम गरम गरम खाएंगे। और बताइएगा कैसा लगता है हमारा वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में डालिए। कमेंट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि न्यू कंटेंट के साथ मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ है लेकिन समय की कमी के कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन इतना है कि थोड़ा आपके तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो शायद मेरे अंदर वो एनर्जी लेवल आए और एक्साइटमेंट हो कि नहीं मुझे करना ही है, तो मैं ज़रूर करूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। अभी आपने क्या खाया, क्या किया है आपने? आइसक्रीम। भगवान, ऐसे कौन आइसक्रीम खाता है? ये आप खुद खाए हो या पूरे हाथों को खिलाए हो बताओ? देखो पैर में भी। ओहो, पैर में भी लगा लिया, पैंट में भी लगा लिया। अच्छा भला आपने गर्मी की वजह से कपड़ा नहीं पहना, नहीं तो सारे ड्रेस गंदा कर देते आप। चलो हैंड वॉश करते हैं। चलो गाइस, मैं आपको एक फनी हंसने के लिए कुछ मैं लाइंस बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा एंजॉय भी होगा। आप ब्लॉग्स में जुड़े हैं तो थोड़ा मैं हंसा भी दूँ आपको। जब एक शायर डॉक्टर बन जाता है तो किस तरह से अपने पेशेंट से डील करता है वो मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह एक डॉक्टर था वो बन गया शायर, सॉरी वो शायर था वो डॉक्टर बन गया, आई एम सॉरी। तो उसके पास जब एक पेशेंट आया तो उसने उसे ट्रीट करके दवा वगैरह लिख दिया कि आपको ये मेडिसिन खाने हैं। जब पेशेंट ने पूछा डॉक्टर साहब इस मेडिसिन को कैसे खाना है ये बता दीजिए, तो डॉक्टर ने कुछ इस अंदाज में कहा कि दिल लगा के मोहब्बत के में धमाल करें, कि दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करें, सिरप को अच्छी तरह से हिला के इस्तेमाल करें। उसके बाद डॉक्टर ने बोला मेरा दिल टूट गया, उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम बस एक एक गोली। अब वो पेशेंट हंसने लगा, बोला सर ये क्या कह रहे हैं आप, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? तो उसका जो कंपाउंडर था साथ में उसने ये बोला कि डॉक्टर साहब इसी तरह बात करते हैं, आप उनकी बातों को ध्यान से। तब वो पेशेंट समझ गया कि ये डॉक्टर जरूर पहले शायर था। फिर उसने क्या बोला, कभी आके मेरी मोहब्बत का सुरूर देखे, कभी आके मेरी मोहब्बत का शुरूर देखें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखें। बात तो उसने बिल्कुल सही कही,
कुछ अलग ही अंदाज है। उसके बाद उसने कहा, दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, इतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। उसके बाद वहां जो लोग पेशेंट के अलावा बैठे थे उनको बहुत तेज हंसी आ गई। जब हंसने लगे लोग तब डॉक्टर को लगा कि मेरी ये शायरी मजाक तो नहीं बन रही। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर डॉक्टर को ऐसे ही खुश मिजाज रहना चाहिए ताकि पेशेंट किसी तरह का स्ट्रेस ना ले और हंसते हंसते दवा को भी चॉकलेट की तरह खाते रहे। और बताइए कैसा लगा शायरी। तो गाइज हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे, और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करने में। लेकिन कुछ भी अगर अच्छा कुछ लगता है तो मैं जरूर शेयर करती हूँ। एट द एंड गाइज यही बोलूंगी कि आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मेरा साथ दीजिए। मैं रोज वीडियो डालती हूँ, डेली बेसिस पे डालती हूँ और डालते रहूंगी। हस्बैंड वाइफ मिलके वीडियोस बनाते हैं बट मैं नहीं बनाती क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कैमरा में आना, ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करता है। आज उन्हीं के सपोर्ट से मैं ये कर भी रही हूँ। लेकिन बात ये है ना कि हर कोई का रहने का तरीका अलग होता है, हर कोई अलग अलग व्यवहार का होता है। जिस दिन उनको खुद लगेगा कि हाँ मैं करना चाहता हूँ तो वो खुद करेंगे, मैं उनको कभी फोर्स नहीं करूँगी। और मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड का होना कैमरा में ज़रूरी है। टैलेंट अगर हो किसी एक का तो वो ग्रोथ कर सकता है, अगर है तो ये बहुत किस्मत की बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो फोटो खिंचाने में शर्म करते हैं तो वो कैमरा में क्या आएंगे। कोई बात नहीं, मेरा सपोर्ट वो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना मैंने उम्मीद नहीं किया था उससे काफ़ी ज़्यादा करते हैं वो मेरा सपोर्ट। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि शादी के बाद सब कुछ नया होता है और हमेशा डर लगा रहता है कि पता सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जॉब से लेकर हर एक चीज़, ज़िंदगी के हर अच्छे फैसले में उन्होंने मेरा साथ दिया। कुछ फैसले अच्छे नहीं भी थे तो भी हम लोगों ने डिस्कस करके उसको सही किया, लेकिन उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और आज मैं वीडियो भी बनाती हूँ तो मुझे सपोर्ट करते हैं, कुछ अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं, मुझे बताते हैं तुम्हारी कहाँ गलती हो रही है, क्या है, तुमको क्या इम्प्रूव करना है। तो यही सपोर्ट मेरे लिए बहुत है और ये सपोर्ट मैं आप लोगों से भी चाहती हूँ। प्लीज़ अब मैं चलूँ काम करने, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर गाइज, अच्छे से रहिए। गर्मी काफ़ी है, 50 डिग्री चल रहा है, मतलब 50 डिग्री के लगभग, राजस्थान में 50 है, दिल्ली में थोड़ा कम है लेकिन कम तो नहीं बोलेंगे। और इसी गर्मी में हमारी एसी भी ख़राब हो गई है, बहुत बहुत तकलीफदायक है ये। कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा है, अगर नया लेने जाते तो उसको भी इंस्टॉल करने में 3-4-5 दिन लग रहे हैं। तो बस हम अभी परेशान हैं उसको लेके, जल्दी ही हो जाएगा रिजॉल्व। लेकिन हाँ एक एक दिन भारी पड़ जाता है जब आपको आदत हो जाए एसी वगैरह की। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहिए, टेक केयर, अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, अपने फैमिली को ध्यान दीजिए और आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आए। बाय, टेक केयर।